आज का हम लोगों का वीडियो का टॉपिक है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 46 का सॉल्यूशन। तो देखिए, अगर आज तक आपने अभी तक पुराने वीडियो का यानी पुराने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर नाम का, उसमें आपको इस पूरे बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पहले एक्सरसाइज 46 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम लोग पहले इसका क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन कोष्ठक। तो देखिए एक बार फिर से बता दूं कि कोष्ठक का मतलब होता है ब्रैकेट। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरे। देखिए हम लोगों का जो ये एक्सरसाइज है ना, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सॉल्यूशन बनाने का। तो देखिए इसमें हम लोगों को कोष्ठक से भरना है हैज या हैव। तो इसमें देखिए ही सी ईट या अगर एक नाम रहे ना तो इसके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, लेकिन आई वी यू दे या प्लूरल नेम रहे यानी एक से अधिक नेम रहे तो हैव का यूज करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले कॉपी को कर लेते हैं एक बार सेटल। अब हम लोग चलेंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए आई ब्लैंक ईटन, नंबर एक में आई ब्लैंक ईटन हैज या हैव। तो देखिए आई के साथ हम लोगों का यूज होता है हैव। नंबर टू बी ब्लैंक प्लेड, तो इसमें भी देखिए हैज या हैव, तो बी के साथ भी लगता है हैव। नंबर थ्री में यू ब्लैंक वर्कड, इसमें भी हम लोग देखेंगे हैज या हैव, तो यू के साथ भी लगता है हैव। नंबर फोर ही ब्लैंक गोन, तो देखिए हैज या हैव, तो ही के साथ हम लोगों का यूज में आता है हैज। अब फिर चलते हैं नंबर चार के बाद नंबर पाँच में। नंबर पाँच में देखिए सी ब्लैंक कम, तो हैज या हैव, तो सी के साथ हम लोगों का यूज में आता है हैज। नंबर सिक्स, तो नंबर सिक्स में देखिए होगा इट ब्लैंक ईटन, इट ब्लैंक ईटन, तो हैज या हैव, तो इट के साथ हम लोगों का यूज में आता है हैज। नंबर सेवन में सीता ब्लैंक स्नेप, तो देखिए हैज या हैव, तो सीता के साथ हम लोगों का यूज में आता है हैज। नंबर एट में सीता एंड रीता, सीता एंड रीता ब्लैंक स्नेप, तो हैज या हैव। तो देखिए यहाँ पर दो नाम है, सो इसमें लगेगा हैव। नंबर नाइन का देखते हैं क्वेश्चन, दे ब्लैंक वर्कड, तो देखिए दे के साथ हम लोगों का यूज में आता है एच ए वी ई। नंबर टेन, तो नंबर टेन में देखिए द बॉय ब्लैंक रिटेन ब्लैंक रिटेन, तो इसमें भी हो जाएगा हैज या हैव, तो द बॉय हैज रिटेन। नंबर 11 दी बॉयज
ब्लैंक रिटेन, तो इसमें हो जाएगा दी बॉयज हैव रिटेन, यानी इसमें प्लूरल है सो इसमें हैव लगेगा। अब ऊपर चलते हैं नंबर 12, तो देखिए नंबर 12 में क्वेश्चन है योर डॉग ब्लैंक स्लेप्ट, तो हैज या हैव, तो योर डॉग के साथ हैज। नंबर 13 योर डॉग्स ब्लैंक स्लेप्ट, तो हैज या हैव, तो यहाँ देखिए प्लूरल है सो इसमें हैव लगेगा, क्योंकि अगर डॉग था तो हैज एंड डॉग्स है तो हैव। नंबर 13 तक हो गया, अब बचा है हम लोगों का मात्र 2 क्वेश्चन, जो कि अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेंगे बिकॉज ये फुल हो चुका। तो देखिए धीरे धीरे हम लोगों का ये चैप्टर भी मंजिल की तरफ पहुंच रहा, अब 2 क्वेश्चन में ये भी समाप्त हो जाएगा। तो नंबर 14 में देख लेते हैं, नंबर 14 में द डॉग्स ब्लैंक स्लेप्ट, दी डॉग्स ब्लैंक स्लेप्ट, तो देखिए हैज या हैव, तो डॉग्स प्लूरल है सो इसमें लगेगा हैव। नंबर 15 द डॉग ब्लैंक स्लेप्ट, तो इसमें लगेगा हम लोगों का ये डॉग सिंगुलर है सो इसमें लगेगा हैज, तो द डॉग हैज स्लेप्ट। तो देखिए इसी के साथ हम लोगों का आज का जो एक्सरसाइज था 46 वो भी एकदम आसान शब्दों में समाप्त हो चुका है। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 46 का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम आसान शब्दों में देखा। अगर आपको इस सॉल्यूशन में कोई डाउट या प्रॉब्लम लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में और दूसरे एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको इस बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर नाम का प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए, उसमें आपको पूरा हम लोगों का चैनल पे पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन, मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।